हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम. दिस इज कुछ टू विद अनदर क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 एंड पेज नंबर 106. दिस सेज व्हिच टर्म ऑफ द एपी या को सीरीज दिया हुआ है 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. आपको बताना है कौन सी टर्म एपी की. जब भी कहा जाता है कौन सी टर्म, व्हिच टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टेंथ, फिफ्टीथ, सिक्सटीथ, कौन सी टर्म, मतलब हमें निकालना है एन, हमें फाइंड करना है एन. कौन सी टर्म एपी की विल बी 132 मोर देन इट्स 50 टर्म. कौन सी टर्म होगी वो, विच इज, मतलब कोई ऐसी टर्म है, हमें वो टर्म नहीं पता, कोई ऐसी टर्म है जो कि 132 ज्यादा है देन इट्स 54th टर्म. इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ऐसी कोई टर्म है, हमें वो टर्म नंबर निकालना है. फर्स्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर 3. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके, दैट मीन A2 माइनस A1. सो A2 हमारे पास है 15 माइनस A1 इज 3, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आता है 12. सो ये आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस. A की वैल्यू भी आपके पास, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी है. ये रिलेशन गिवन है जो कि हम यूज करेंगे. रिमेंबर वन थिंग, जब भी क्वेश्चन में जितनी चीजें दिखी पहले आप उनको लिख लीजिए, जो मांग रहा है उसको लिख लीजिए. अकॉर्डिंगली आपको हर चीज यूज होगी ही होगी क्वेश्चन में. सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज करें. अगर ये ए एन जो गिवन है, ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132. ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132. सारी वैल्यूज पुट कर ली. अब ए, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन हुई 3 प्लस एन हमें निकालना है, तो ये हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 माइनस 1 डी. डी हमारे पास आ रहा है 12 इज इक्वल टू ए अगेन, फर्स्ट टर्म 3 है, 53 ब्रैकेट में 12 प्लस 132. सो यहां से 3 प्लस n, n हमें फाइंड करना है, तो इसको भी हम ऐसे लिखा रहने देते हैं n माइनस 1 12 3 प्लस 132 करके कितना आएगा 135. 53 इंटू 12 636. अब इस 3 को ले जाते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 12 135 प्लस 636 माइनस 3. तो यहां से बना n माइनस 1 इंटू 12 135 प्लस 636 माइनस 3, ये बना 135 प्लस 633. सो 633 प्लस 135 768 आएगा. तो ये आया 768 और यहां पर n माइनस 1 इंटू 12. अब ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, ये नीचे जाएगा और इससे डिवाइड होगा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाय 12. सो 12 वन जा 12 सिक्स 72 72 एंड दिस 12 फोर जा 48. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. सो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इधर जाके ऐड हो गया, n इज 65. सो n की वैल्यू आ गई 65. दैट मीन्स 65 टर्म नंबर टर्म ऐसी है जो कि 132 ज्यादा है देन इट्स 54th टर्म. इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पहले पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना क्या मांगा गया है हमसे, बिकॉज जनरली मैंने यही चीज देखी है बच्चों, ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते. सो अगर हमने क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लिया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है. सो दिस वॉज 11 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2. इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से ट्राई करिए, आरडी शर्मा या और किसी भी बुक से ट्राई करिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें बताइए. एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.